बानी पीटीआई और पिछड़ा बीबी को सजा होगी या केस खारिज होगा। गैर शरई निकाह केस का महफूज शुदा फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में केस की 14 घंटे तवील समाअत हुई। वकला ने गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल की। पीटीआई वकील की बरीयत और अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। बुशरा बीबी ने 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मनघड़त करार दे दिया। कहा जुबानी तलाक अप्रैल में दी गई, अगस्त तक इद्दत का दौरानिया मुकम्मल किया। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से एक ही निकाह हुआ। बानी चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के लिए एक और मुश्किल। 9 मई के मुकदमात में साबिक साथी वादा मुआफ गवाह बन गए। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम, साबिक रुकने कौमी असेंबली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। जराए के मुताबिक तीनों गवाहों ने 154 का बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। अजमल साबिर के शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने की खबरें, अजमल साबिर की तर्दीद। कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन शेख रशीद और शेख राशिद शफी को 6 फरवरी को तलब कर लिया। आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के आज सिंध में 2 जलसे स्केजुअल हैं। बिलावल भुट्टो पहले छाछरों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में पहुंचेंगे। शाम को मीरपुर खास के गामा स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान भी मीरपुर खास में सियासी मैदान से जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक फैसलाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने लकी मरवत में कारकुनान ने मैदान सजा लिया। तहरीक इंसाफ को सवाबी में जलसे की इजाजत न मिली। इंतजामिया ने पंडाल से कुर्सियां हटा दी। इंतखाबात के लिए इकदामात मुकम्मल। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन के लिए वाफर वसाइल हैं। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुका है। वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं दहशतगर्द तंजीमों ने अफगानिस्तान को अपना मस्किन बना रखा है। खतरे के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। इंतखाबात में भी भरपूर सिक्योरिटी होगी। पहले पुलिस, फिर FC और रेंजर्स और तीसरे मरहले में फौज तैनात होगी। निगरान हुकूमत अदालतों को कंट्रोल नहीं करती। पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। अदालती फैसलों पर तनकीद की आजादी है। आम इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज बाकी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल फाल नहीं हो सका। आरोज की मुश्किलें बढ़ गईं। फॉर्म 25 और 26 भी जारी नहीं किए जा सके। EMS में फॉर्म्स इजरा में सर्वर डाउन समेत अलाइनमेंट और डेटा के मसाइल सामने आए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैनुअल फॉर्म की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। EMS पर 5वें तजुर्बाती मश्क भी आज की जाएगी। फर्जी फॉर्म 45 और 47 बनाए जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन डेटा एंट्री भी होगी। तजुर्बाती मश्क में दरपेश मुश्किलात पर RO अपनी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। इलेक्शन कमीशन को बाय इख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट शिक शामिल की गई। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 18 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। फैसले में कहा गया है कि सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करना चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कानून इलेक्शन एक्ट में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA आयशा रजा बलोच IPP में शामिल। आयशा रजा बलोच जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पहुंची। IPP चेयरमैन पर भरपूर एतमाद का इजहार। जहांगीर तरीन ने पार्टी का मफलर पहनाया, शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। आयशा रजा बलोच ने तांदिया वाला में IPP रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की भी भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद काम नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त।
ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर का काम की नौयत और दबाव की वजह से हाइपर टेंशन का सामना है। कुछ रोज़ कबल भी अरियाला जेल में दौरान समात तबीयत नासाज हुई। जज मोहम्मद बशीर ने हाल ही में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी सुन रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को अपने ओहदे से रिटायर्ड। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में जजेस की तमाम खाली असामियां फौरी पुर करने का हुक्म। जजेस का काम मुकदमे के हकायक के मुताबिक आईन और कानून का इतलाक है। किसी जज के किरदार पर शक नहीं, गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। हकायक और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मुंदखेल ने अगवा बराए तावान के मुलजमान की बरियत का फैसला बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का आईनी हक है। हुकूमत का फर्ज है कि गैर जरूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके, यकीनी बनाया जाए कि झूठे मुकदमात दर्ज कराने वाले बच ना सकें। नेपरा का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की कीमत में 4.56 रुपये फी यूनिट इजाफा। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर की महाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमत का इतलाक 1 माह के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरतहाल। तुर्बत में नदी नालों में तगयानी, सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। नासिराबाद में दर्जनों मकान और चार दीवारियां जमीन बोस हो गई। बारिश से बागात और खड़ी फसलों को नुकसान। तान महतरजई जियारत प्रोजेक्ट टॉप में बर्फबारी से आमदोरफ में मुश्किल। PDMA के मुताबिक हैवी मशीनरी के जरिए शाहराहों से बर्फ साफ की जा रही है। किसी भी नागहानी सूरतहाल के पेश नज़र तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल शाम बलोचिस्तान से सिंध में दाखिल होगा। कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुल्लम खुल्ला हमले किए जा रहे हैं। शहरियों को दोबारा हिरासा और खौफजदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इंतखाबात में शिकस्त नजर आने पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हालात कंट्रोल में ना आए तो 8 फरवरी को फसादात का खौफ है। छोटे मोटे वाकयात को ना रोका तो कोई बड़ा वाकया रोनुमा हो सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात कराएं। ये शहर पहले दहशतगर्दी से पहचाना जाता था, अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची में फायरिंग के वाकयात अफसोसनाक हैं। हैरत है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला बस्ती में उनका कोई मैंडेट नहीं, इसलिए डरा कर मर्जी के नतीजे चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना है कि ये जमातें कई सालों से आवाम के साथ खेल रही हैं। कत्ल वारत की तमाम साजिशें टर्न आउट कम करके मर्जी का नतीजा लेने के लिए हैं। हम अपनी शराइत पर हुकूमत बनाएंगे, हमारे बगैर कोई हुकूमत बनेगी नहीं, बनी तो चलेगी नहीं। जमात इस्लामी जीती तो उनकी मेयरशिप भी जाती रहेगी।